प्री मानसून का असर उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, बिहार, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि और यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में तेज हवाएं चल सकती हैं जिससे तापमान से राहत मिलेगी। वहीं बुधवार से नौतपा शुरू हो रहे हैं, इस दौरान फिर से तापमान बढ़ने की आशंका है। दिल्ली में सोमवार सुबह हुई भारी बारिश के कारण कई फ्लाइट डिले करनी पड़ी। आंधी बारिश ने कोहरा मचा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार रात क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए जापान रवाना हुए। वे सोमवार सुबह टोक्यो पहुंचे। यहां भारतीय मूल के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी यहां मंगलवार शाम तक रुकेंगे। इस दौरान वह 23 बैठकों में हिस्सा लेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड के लिए भारत की आशा वर्कर्स को चुना है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, WHO उसी का मुरीद हो गया। खासकर गांवों में घर घर जाकर कोरोना के मरीजों का पता लगाना और उन्हें शुरुआती इलाज देने में उनकी खास भूमिका रही। केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद राज्यों ने टैक्स में राहत देनी शुरू कर दी है। केरल और राजस्थान के बाद महाराष्ट्र ने पेट्रोल पर 2.08 रूपये और डीजल पर 1.44 रूपये वैट कम कर दिया है। राजस्थान सरकार ने भी पेट्रोल पर 2.48 रूपये लीटर और डीजल पर 1.16 रूपये लीटर वैट कम किया है। उधर ऑटो इंडस्ट्री बॉडी सियाम ने सरकार से CNG की कीमतें घटाने की मांग की है। असम के नागांव जिले में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने बातद्रवा पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसके बाद प्रशासन ने हिंसा में शामिल 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया। हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि घरों को अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत तोड़ा गया है।